जिस तरह मिशनरी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की जो मनमानी चल रही है उसी को लेकर हमने कल सेंट एंसलम स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कोई भी नहीं था ज्ञापन देने के लिए। उसी को लेकर आज हम ऐसे ही मिलने गए फादर से, लेकिन कल भी उन्होंने बहाना बनाया था और आज भी स्कूल में ना होने का बहाना बनाते हुए छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं दिए कि फीस क्यों बढ़ाई है। अभिभावकों का दबाव आ रहा है, अभिभावक अवसाद में, इसी को लेकर हम आज प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। फिर उसके बाद जो IPS है हर्षवर्धन सर वो आए और उसके बाद प्रिंसिपल को बुलाया गया, उसके बाद हमारी बातचीत करवाई गई। क्या बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, प्रिंसिपल से बातचीत हुई है कि जो बढ़ाई है वो हम कमेटी में रखेंगे और आपको जल्दी 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन में आपको जवाब दे दिया जाएगा और हमारी तरफ से जो भी बन सकेगा हमारी तरफ से किया जाएगा। रियाज खान NSV। आज हम लोग ने जो ज्ञापन हमने ज्ञापन दिया था सेंट एंथलम स्कूल के बाहर, उस ज्ञापन का हम जवाब लेने के लिए कल हमने कॉल करा जो सीनियर टीचर ने, उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन कल उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, तो इस वजह से हम प्रिंसिपल से हम सीधे मिलने गए हम और हमारी टीम के साथ, पूरी NSI के साथ, लेकिन आज भी वो लोग ना होने का बहाना करा जिस तरह से उन्होंने कल किया था, लेकिन स्थितियों की वजह से हम लोगों को वहीं पर प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर बैठ करके धरना देना पड़ा। फिर हम लोगों ने वहाँ पर धरना दिया। फादर से बात हुई बाद में अजमेर शहर के IPS साहब आए थे हर्षवर्धन जी, और उन्होंने प्रिंसिपल को बुलाया, वो जिस भी मीटिंग में थे उसमें से बुला करके फिर उनसे उन्होंने हमारी बात कराई। अफजल खान GCA में जो NSU आई है उससे 4 लड़के आए थे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि मिशनरी स्कूल्स में फ़ीस बढ़ा दी गई है। कल इन्होंने ज्ञापन दिया था प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को, तो इनकी बात सुन ली गई थी। आज ये दोबारा आए थे तो मैंने इनको बात करके यही समझाया कि ज्ञापन ज़रूर दे लेकिन स्कूल आवर्स के बाद दे, क्योंकि स्कूल आवर्स में डिस्टर्ब होने से कई बच्चों को नुकसान उठाना पड़ता है और प्रिंसिपल पूरे स्कूल को संचालित कर रहे हैं, इन पर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। अगले बार से इनको यही कहा गया कि आप आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन स्कूल आवर्स के बाद आएँ और पहले से जानकारी दे करके आएँ ताकि स्कूल भी सही तरीके से संचालित रहे और इनकी भी बात रख ली जाए, ऐसे कोई दिक्कत सामने नहीं आए।